गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल बकैनवाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। अज असी तुहाडे लई एक क्रिया लैके आए हाँ जिसका नाम है रसायनिक यौगिकां दे सूत्रां नूं समझना। सूत्रां नूं समझण तो पहला असी यह देखांगे कि परमाणु की होंगे। ये पदार्थ का कण होंगे जिहड़े इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते न्यूट्रॉन तो बनते हैं जिवें कि हाइड्रोजन। इस तो बाद असी देखांगे कि एनायन ते कैटायन की होंगे। एनायन वो परमाणु जिहड़े रिंग चार्जित होंगे। ऋण चार्ज का मतलब है कि इन्हें उत्ते माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज का मतलब कि इन्हों को क्षमता होंगी है इलैक्ट्रॉन देने की, इसलिए ज़्यादातर अतातं एनायन बनाते हैं। इस तो बाद देखेंगे कैटायन के होंगे जिहड़े परमाणु धन चार्जित होंगे मतलब प्लस चार्ज, जिन्हें प्लस चार्ज होंगे उन्होंने कैटायन कहते हैं। इन्हों को क्षमता होंगी इलैक्ट्रॉन लैन की, इसलिए ज़्यादातर तातं कैटायन बनाती हैं जिवें कि ऑक्साइड ते पोटाशियम। तो हूँ असं रसायनिक यौगिकों के सूत्र बनाने लिए क्रिस-क्रॉस मैथड करा जिसनों असं क्लास में आम ही वरतते हैं। साढ़े को एक फॉर्मूला है NaO है जिसनों असं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं जिसका आम नाम है कास्टिक सोडा। इस दे लिए साढ़े को सोडियम जी जिस उत्ते प्लस वन चार्ज है इसनों असं कैटायन कहते हैं, तो हाइड्रोक्साइड है जिसके माइनस वन चार्ज है जिसनों असं एनायन कहते हैं। मैथड के राय जो असं फॉर्मूले कन्वर्ट करा तो सोडियम की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड से पहली जाएगी, तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी सोडियम से पहली जाएगी जो कि एक एक है। तो फॉर्मूला बनेगा NaOH। पर कई कई बार बच्चों को यह वाला फॉर्मूला समझने थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए अभी आज फॉर्मूले बनाने का फन ईजी तो अफोर्डेबल वे लैके आए हैं जोड़ा कि असी अगे करा। चलो शुरू करते हैं। तो इस मॉडल के राही असी तुहानू क्रिस-क्रॉस मैथड को समझाने की कोशिश करा। सब तो पहला असं उस चीज़ तो शुरू करा जिसके बिना जिंदगी इंपॉसीबल नहीं है। यह जी कि चीज़ है पानी। पानी का फॉर्मूला है H2O जिस दे विच H दो लवेंगे अते O एक लवेंगे। इस दे विच तुसी देख पा रहे हो कि H दे कोल अंदर दी होल्स बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हां कोल इलैक्ट्रॉन लैन की क्षमता है। तो ऑक्सीजन दे कोल ग्रूव्स बनी हुई है मतलब बाहर दी उभरी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि इन्हां कोल इलैक्ट्रॉन देने की क्षमता है। तो जो असं इन्हों एक दूसरे में फिट करांगे तो जे एक दूसरे में प्रॉपरली फिट हो गए तो फॉर्मूला पॉसीबल है, तो जे फिट ना हो तो फॉर्मूला पॉसीबल ही नहीं है। तो चलो फिट करने की कोशिश करते हैं। हुण तुसीं देख पा रहे हो कि ए वाला फॉर्मूला प्रॉपरली फिट हो रहा है तो फॉर्मूला पॉसीबल भी है। अगे वधदे हां, अगे असीं सब तो औखा फॉर्मूला देखांगे जिसनूं बनाउण विच बच्चों नूं बहुत ही तकलीफ आउंदी है, जिसका नाम है एलूमीनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है Al2SO4 3, जिसके असी Al2 लवेंगे तो SO4 3 लवेंगे क्योंकि इन्हां नूं पूरा करन लई SO4 3 की जरूरत है तो Al2 की जरूरत है। जो असीं इन्हां नूं एक दूसरे विच फिट करांगे तो एक दूसरे में प्रॉपरली फिट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि Al2SO4 3 एलूमीनियम सल्फेट का पक्का तरीका है जिसका फॉर्मूला है Al2SO4 3। तो होप करते हैं कि तुहानू ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।